अपर कट में आज हम बात करेंगे पंजाब मुंबई की भिड़ंत कौन बाजी मारेगा। आज के मैच की बात करेंगे लेकिन कल का मैच जिन्होंने देखा उन्होंने कहा कि विराट की सेना क्यों लगातार 4 मैच जीत रही है, चाहे वो फील्डिंग की बात रही हो, बॉलिंग की बात रही हो, बैटिंग की बात रही हो, एक यूनिट तरह काम करने की बात रही हो, सब में वो अव्वल है। कल बहुत प्रयास किए शिवम दुबे और तेवतिया ने अपनी टीम को जिताने के लिए लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट ने सारी कलाई उनकी खोल दी। इन सब पर चर्चा करेंगे हमारे साथ झारखंड से क्रिकेट एक्सपर्ट और झारखंड क्रिकेट सिलेक्टिंग टीम के सीनियर सिलेक्टिंग टीम के वाइस चेयरमैन मनोज यादव जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज भाई आपका। मनोज भाई, कल के मैच में क्या गलती करी है राजस्थान ने जो इतनी बड़ी हार उसको झेलनी पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो विशाल जी, राजस्थान के शुरुआती बल्लेबाज ही आउट हो गए, मैच से वो पहले ही बाहर हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कमबैक करने का प्रयास किया लेकिन वो काफी नहीं था। साथ ही साथ इस आईपीएल को अगर आप देखेंगे तो पहली दफे इस आईपीएल में ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली की टीम एक यूनिट के तौर पर खेल रही है। पिछले बाकी समय में अगर आप रेट करें तो उनकी टीम हमेशा बहुत हाई रेटेड रहती है लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह का कभी भी उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन इस आईपीएल में डेफिनेटली वो लोग दिख रहे हैं एज ए यूनिट, दे आर प्लेइंग मच बेटर देन एनी अदर टीम। और अगर वही बात की जाए बॉलिंग की तो बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई, जिस तरह सिराज हो या फिर हर्षल पटेल, ये एक जो नया कॉम्बिनेशन लेके आए हर्षल पटेल का, इतना ट्रेड करके इनको लेके आए और जिस कलाबाजी उनके अंदर, जो जितनी पैतरेबाजी अगर कहा जाए वो कम नहीं है। एक बॉल होती है 130 की स्पीड से, अगली 90 की स्पीड से आती है, बैट्समैन फंस जाता है। डेफिनेटली देखिए, अभी के T20 में जितने भी युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, हर्षल पटेल की बात कर लें, सिराज की बात कर लें, ये दोनों युवा तेज गेंदबाज हैं और ये इनकी प्लानिंग इतनी बेहतरीन है कि 6 गेंद अगर ये करेंगे और खास करके अगर इनको 24 गेंदें फेंकनी है तो इनको पता होता है कि इस 24 गेंदों में हमें किस तरह से वेरिएशन करना है, सामने वाला बल्लेबाज कौन है, किस ग्राउंड पे हम खेल रहे हैं, वहां के प्लस माइनस क्या है, छोटा ग्राउंड है, स्पिन वाली विकेट है या स्लोअर करने से अच्छा होगा, तो ये सभी चीज वर्कआउट करके ये बच्चे आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन हर्षल पटेल ने अभी तक इस टूर्नामेंट में किया है। सिराज ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और जिस तरह से वो गेंद को अंदर ला रहे हैं, जिस गति से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटिंग है देखने के लिए दर्शकों को। तो बहुत मजा भी आ रहा है मैच देख के। अगर बात की जाए आज के मैच की तो रोहित शर्मा बनाम केएल राहुल दोनों साथ में ओपनिंग करते कई बार दिखे हैं, अब आमने सामने होंगे, रणनीति अलग होंगी दोनों टीमों के लिए। मुंबई की बैटिंग चल नहीं रही है और यहाँ पर तो अगर सब कुछ चल रहा उसके बाद भी मैच हार रहे हैं पंजाब की अगर बात करें। विशाल देखिए, दोनों टीम की जो स्थिति है, एक तो टीम लगातार 3 मैच हार चुकी है, एक टीम आपको 2 मैच जीती है, हैट्रिक बना सकती है आज जीत के, लेकिन दोनों ही टीम में दोनों ही कप्तान को कमर कसना पड़ेगा, रोहित को भी और केएल राहुल को भी। साथ ही साथ इस दोनों टीम के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनके मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाजी है, क्रम है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। अगर आप देखें मुंबई इंडियंस की अगर को आप ध्यान से अगर देखें तो इनके लिए रोहित शर्मा ने रन जरूर बनाया है, सूर्य कुमार यादव ने भी रन बनाया है लेकिन और बेहतर की आशा है उनसे। साथ ही साथ ईशान किशन और क्विंटन डिकॉक, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अकेले मैच जिताने की क्षमता रखते हैं लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट में इन दोनों खिलाड़ियों ने क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया है, या मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका बैटिंग ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं क्विंटन डिकॉक तो ओपनिंग करते थे कर रहे हैं लेकिन ईशान किशन का बैटिंग ऑर्डर सही नहीं सेट हो पा रहा है। पांड्या ब्रदर्स से जिस तरह की आशा थी, हार्दिक बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बैटिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, कृणाल लेफ्ट आर्म बॉलिंग जरूर कर रहे हैं लेकिन मैं हमेशा से मानते रहा हूं कि कृणाल पूरे एज ए बॉलर फिट टीम में नहीं बैठते हैं, एज ए ऑलराउंडर ओके इट्स फाइन, तो ये सभी चीज पांड्या ब्रदर्स नहीं कर रहे हैं, फायर अभी तक उन्होंने किया नहीं है। पोलार्ड से जिस तरह की उम्मीद है, जैसा हम लोग देखा है पोलार्ड को, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी नजर आया है। जयंत यादव अच्छा किए हैं, राहुल चहर ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है, ये मुंबई इंडियंस का है। अब बैटिंग ऑर्डर्स उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सेटअप बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप पंजाब किंग्स की बात अगर करें तो आप देखेंगे कि क्रिस गेल अभी तक इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेले हैं, क्रिस गेल को मेरे हिसाब से उनको ओपन कराना चाहिए क्योंकि अगर वो ओपन करेंगे तो पहले 6 ओवर का जो बेनिफिट है, क्रिस गेल खड़े खड़े भी अगर 50 बॉल अगर वो खेल जाएंगे तो 100 रन बनाने की क्षमता रखते हैं।
तो क्रिस गेल को वहां ला सकते हैं। मयंक अग्रवाल, केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन अभी भी उनके पास जैसे निकलस पुरन है, दीपक हुडा ने अच्छी बल्लेबाजी की है लेकिन निकलस पुरन है। शाहरुख खान को मुझे लगता है कि ऊपर ऑर्डर पे लाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है अभी तक टूर्नामेंट में, अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन कहीं ना कहीं जब एकदम अंत में उनके पास या तो सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है या बॉलें खत्म हो जाती हैं, तो शाहरुख खान का भी बैटिंग ऑर्डर एड्रेस किया जाना चाहिए। इन सभी पहलुओं को अगर ये गौर करेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों टीम के बीच आज बहुत ही बेहतरीन मैच हम लोगों को देखने के लिए। और आपने बिल्कुल सही बात कही, गेल को फर्स्ट डाउन पे किसी को उम्मीद भी नहीं होती क्रिस गेल वन डाउन खेलेंगे। आप मयंक अग्रवाल को वन डाउन करिए, आप केएल राहुल के साथ क्रिस गेल को ओपन कराएं, तो एक अलग, क्योंकि दोनों तरफ से हिट होगा, छः ओवर में आप पकड़ बना लेंगे मैच में। और क्रिस गेल जब आते हैं बैटिंग करने तो लगता नहीं है वो क्रिस गेल खेल रहे हैं, जो इतनी अच्छी फॉर्म में अभी हाल में जितने इन्होंने टी ट्वेंटी लीग खेली वहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं केएल राहुल को ये बदलाव करके एक बार देखना चाहिए, और जिस पायदान पर पूरन आते हैं वहाँ पर शाहरुख खान को भेजना चाहिए। डेफिनेटली देखिए, जहां तक क्रिस गेल की बात है, हर कोई जानता है कि वो रनिंग बिटवीन विकेट में बहुत अच्छे नहीं है, और वो बड़े हिट्स लगाने के लिए सक्षम है, और ऐसे में अगर आप उनको ओपन कराते हैं तो जो शुरुआती छह ओवर में अगर वो हिट कर गए तो मैं कहता हूँ कि दुनिया के किसी भी बोलिंग अटैक को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इस तरह की क्षमता वो रखते हैं। तो उनको ओपन करा के इवन चाहे मयंक अग्रवाल हो चाहे केएल राहुल हो, ये दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि तीन नंबर पर खेल सकते हैं, और अगर आपके दो ओपनर अगर लंबा खेल गए तो फिर क्रिस गेल के लिए पीछे बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोटेट करना, रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन भागना, तीन रन भागना क्रिस गेल के लिए आज के दिन में संभव नहीं है। तो वहां कहीं ना कहीं टीम लटडाउन होती है, और निकलस पुरन से जिस तरह की संभावनाएं थी, जिस तरह का परफॉर्मेंस हम लोग आशा कर रहे थे नहीं कर रहे हैं, तो शाहरुख खान को ऊपर लाना चाहिए। वो अभी तक अच्छा प्रदर्शन किए हैं, और मुझे लगता है कि दोनों टीम अगर बैटिंग ऑर्डर को एड्रेस करेगी, कुछ बल्लेबाज जो उनके क्लिक नहीं कर रहे हैं वो अगर क्लिक करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। और जहां तक कि पंजाब किंग्स की बात है तो ये मैच उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लेऑफ्स में अगर उनको जाना है, सातवें पोजीशन पर वो आज हैं, तो इनसे ऊपर अगर उनको निकलना है तो ये मैच उनको जीतना पड़ेगा। बिल्कुल मैच जीतना पड़ेगा। अभी हम लोग दोनों टीमों को भी देखेंगे मनोज भाई, जिस तरह से दोनों टीमें हैं, कुछ ज्यादा बदलाव दोनों टीमें कर नहीं रही हैं, लेकिन जो 11 खेल रहे हैं उनमें काफी कुछ कमियां हैं। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखेंगे दोनों टीमें। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो आइए अपने जीवन को बचाएं। पानी के प्राकृतिक स्रोत हमेशा यूं ही जीवित रहें, तो हमें पानी बचाने का संकल्प लेना होगा, पानी की बूंद बूंद को संरक्षित करना होगा, पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं बहने देना है। बारिश का पानी चाल खाल, तालाब और रिचार्ज टैंक्स बनाकर जमा करना होगा, ताकि इसका भूमिगत संचय हो सके। पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं करना है। तीरथ सरकार 15 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ रही है। गांव में 1 रुपए और शहर में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज बचाएं जल, सुरक्षित बनाएं कल। नमस्कार, कोरोना फिर लौट आया है, इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें, मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं, और हाँ, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें, इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहनें।
पिछले एक साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम दोनों टीमों पर चर्चा कर रहे थे, एक बार दोनों टीमों को हम लोग देख लेते हैं, फिर मनोज भाई के पास चलते हैं। मुंबई इंडियंस का संभावित प्लेइंग 11, रोहित शर्मा कप्तान, क्विंटन डिकॉक, सूर कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड, कृणाल पांड्या, राहुल चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, नाथन कुल्टर-नाइल। पंजाब किंग्स का संभावित प्लेइंग 11, केएल राहुल कप्तान और विकेटकीपर, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, निकोलस पूरन, शाहरुख खान, दीपक हुडा, मोजेस हेनरिक्स, फेबिन एलन, मोहम्मद शमी, मुर्गन अश्विन, अर्शदीप सिंह। तो ये दोनों टीमें हैं मनोज भाई की, अगर देखा जाए तो मुझे इन दोनों टीमों में कुछ ज्यादा जयंत यादव की जगह मुझे मुंबई में इसलिए नहीं लगी कि ज्यादा बदलाव कर नहीं रहे हैं, और जयंत यादव को चेन्नई के विकेट पे खिलाना जरूर चाहिए क्योंकि क्रिस गेल होंगे सामने, लेकिन मुझे लगता है राहुल चाहर ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं इस सीजन। विशाल आपने सही कहा, जहां तक कि प्लेइंग 11 की बात है, राहुल चाहर डेफिनेटली इफेक्टिव है, और मुंबई की जो चेन्नई की जो विकेट होंगी एम एस चिदम्बरम की, इस विकेट में क्रैक्स हैं, बैट्समैन को थोड़ा सा रुककर पेशेंस के साथ खेलना होगा, और यहां पर ऑप्शंस बनते हैं स्पिनर्स के लिए। लेकिन जहां तक कि जयंत यादव की बात करें तो जयंत यादव ने भी इस टूर्नामेंट में जो मौके मिले हैं उसमें अच्छी गेंदबाजी की है। अब टीम का कंपोजिशन वो कैसा बनाते हैं इस मैच के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है दोनों ही टीमों के लिए, ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं एक बात और विशाल यहाँ ये कहना चाहूंगा कि पिच के साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस टूर्नामेंट में पंजाब किंग्स ने अपना नाम जरूर बदला है, उन्होंने बॉलिंग कोच भी राइट को लेकर आए, वो काफी महंगे कोच हैं, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा है उनके टीम पर। टीम को जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, बॉलर्स को जिस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, अभी तक ये कमी दिखी है। हम अपेक्षा करते हैं कि आज के मैच में ये सभी चीजें कमी दूर होंगी और हम लोगों को एक बेहतरीन मैच देखने मिलेगा। मनोज भाई, बॉलिंग कोच बदल दिया, सब कुछ कर लिया, रवि बिश्नोई को अभी तक आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। आज चेन्नई का विकेट है, क्रैक्स होंगे, मैंने काफ़ी दिन तक टीम में रखा, फिर मुझे लगा ये लोग बिल्कुल रवि बिश्नोई को छोड़कर आए हैं कहीं पर, बाद में लाएंगे उन्हें। मुझे लगता है मुर्गन अश्विन से बहुत ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी इस टाइम रवि बिश्नोई कर सकते हैं। जी हाँ विशाल, आपने सही कहा। एक्चुअली होता क्या है कि जो कप्तान टीम के होते हैं, जब वो टीम कंपोजिशन बनाते हैं तो कप्तान का भरोसा किन पर है, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई अपने टीम के कप्तान के भरोसे पर कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, कारण जो भी रहा हो। और जब तक आप ऐसे गेंदबाज को मौका नहीं देंगे तब तक बहुत ही मुश्किल है अपने को साबित कर पाना। और होता क्या है कि टूर्नामेंट में अगर आप शुरुआत के 4-5 मैच बाहर बैठे रह गए तो उसके बाद अचानक से आकर मैच में परफॉर्म करना किसी भी खिलाड़ी के लिए ये बहुत ही टफ है, और खास करके इस तरह के इंटेंस कंपटीशन में जैसे जैसे मैच बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ते जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ द गेम ये हमेशा आगे बढ़ता जाएगा, बहुत ही इंटेंस मैच होंगे, तो ऐसे में ये बहुत दिक्कत हो जाता है। अब ये देखना है कि ये आज के मैच के बाद, क्योंकि डू एंड डाई स्थिति जब है, इसके बाद हर मैच प्लेऑफ से आपको बाहर करेगी या अंदर आएंगे, तो वहां पर डेफिनेटली चेंजेस होंगे और बिश्नोई को भी मौका मिलेगा। और बिल्कुल, अगर मुंबई की बात कर ले, आप बहुत गत विजेता है आप, लेकिन अभी भी बल्लेबाजी में वो धार देखने को नहीं मिल रही है। हार्दिक पांड्या जिस तरह पिछले सीजन फॉर्म में थे वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। अगर देखा जाए तो ईशान किशन अभी उस तरीके की पारी नहीं खेल पाए, पारी को बिल्ड कर रहे हैं लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे। क्विंटन डिकॉक से बड़ी उम्मीदें हैं, कप्तान रोहित शर्मा से भी बहुत उम्मीदें, सारे प्लेयरों से उम्मीदें बहुत है लेकिन खरा कोई नहीं उतर रहा।
सही कहा विशाल आपने। देखिए मैंने पहले भी कहा, अगर आप ईशान किशन जो है बैटिंग ऑर्डर के साथ एक प्रॉब्लम है, ईशान किशन किस ऑर्डर पे बेहतर खेल सकेंगे, रिसेंट टाइम्स में हम लोगों ने देखा है इंडिया के लिए भी वो ओपन किए, बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने किया है, तो इन सभी चीजों को देखना पड़ेगा कि आखिर आपके आपके लिए बल्लेबाज बढ़िया कहाँ खेल सकते हैं। क्विंटन डिकॉक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट में वो फायर नहीं किए हैं जो उनसे आशा की जाती है। उसी तरह से अगर आप देखें उनके बुमराह हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, बॉलर राहुल चहर ने अच्छा किया है, और ट्रेंट बोल्ट ने भी जैसे दो मैचेस जो ये जीते, तीन मैच जीते मुंबई इंडियंस ने, जो विन किया है, फोर्थ प्लेस पे अभी वो हैं दो विन के साथ में और दो लूज के साथ में। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है इन दोनों टीमों के साथ, दोनों टीमों ने चार चार मैच खेले हैं और दोनों टीम के चारों मैच में दोनों टीम ने पहले बल्लेबाजी की, तो ये दोनों टीम आज तक अभी तक चार चार मैच में चेज नहीं किया है इन दोनों टीमों ने, तो आज पहली दफे किसी ना किसी टीम को तो चेज करना पड़ेगा, तो ये देखते हैं कि चेज कौन करता है, फर्स्ट बैटिंग कौन करता है और चेन्नई के स्टेडियम में क्या होता है। कंपोजिशन तो डेफिनेटली आपने जो कहा वो इन दोनों को बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपसे अभी और बातें करेंगे क्योंकि दोनों टीम जब आमने सामने हुई है तब कौन किस पर भारी पड़ा इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रखते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड 19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है, समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं, हमेशा दो गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड 19 का टीका जरूर लगवाएं, ये पूरी तरह से सुरक्षित है, दवाई भी कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, कोरोना फिर लौट आया है, इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें, मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें, इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले एक साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हेड टू हेड दोनों टीमें जब आमने सामने हुई तब कौन किस पर भारी पड़ा, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर चलते हैं मनोज भाई के पास। हेड टू हेड पर की अगर बात की जाए तो अब तक कुल 26 मैच खेले गए हैं। मुंबई इंडियंस 14 मैच जीती है और पंजाब किंग्स 12 मैच। मनोज भाई,
यहां पर मुकाबला बराबरी का है, लेकिन तब पंजाब टीम पंजाब किंग्स 11 हुआ करती थी और मुंबई इंडियंस ही हुआ करती थी, लेकिन नाम बदला है, प्लेयर्स वही हैं, डाउन थोड़े बदल दिए हैं प्लेयर्स के पंजाब किंग्स ने, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्म नहीं बदला है अभी, सब रन बना रहे हैं, मैच हार रहे हैं। सही बात कहा विशाल आपने, नाम सिर्फ बदला गया है लेकिन उसका प्रभाव जो होना चाहिए, नाम बदलने से प्रभाव बदल जाएगा या खेल में परिवर्तन हो जाएगा ऐसा होता नहीं है। डेफिनेटली उन्होंने एक प्रयास किया नाम बदलकर कि इसका कुछ प्रभाव आए, लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक ऐसा दिखता नहीं है। हाँ ये जरूर है कि संभावनाएं बहुत हैं। मैंने एक और चीज जो मैं महसूस करता हूँ कि क्रिस गेल जो है, अगर आप उनको ओपन नहीं कराते हैं तो आप उसके बदले में आपके ओवरसीज प्लेयर हैं मलान है, डेविड मलान, जो कि विश्व के T20 के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं, आप उनको खिलाइए, उनको आप नीचे भी खिला सकते हैं। सिर्फ एक ही दिक्कत है मलान के साथ कि भारतीय कंडीशंस में वो कैसा खेलेंगे, लेकिन अगर क्रिस गेल को आप ओपन नहीं कराते तो मुझे लगता है कि मलान उससे ज्यादा यूजफुल प्लेयर हो गए अगर वो नीचे खेलेंगे, नीचे बल्लेबाजी अगर कराना आप चाह रहे हैं। तो ये एक निर्णय है जो कि टीम मैनेजमेंट को कप्तान को लेना है, और बैटिंग ऑर्डर को अगर सही करना है थोड़ा सा सही करने से मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स के लिए रिजल्ट्स आएंगे। डेफिनेटली अर्शदीप सिंह एक गेंदबाज हैं उनके पास जो कि बेहतरीन बोलिंग कर रहे हैं, और आज के मैच में मुझे लगता है कि उनसे काफी आशा है कि अर्शदीप अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे, और ये सभी कॉम्बिनेशन को अगर आप बनाकर रखेंगे तो मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स वापसी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पंजाब की टीम की अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़े प्लेयर हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आज के मैच में देखना होगा कि किसके साथ ही उतरते हैं। एक मनोज प्लेयर टू वॉच की अगर बात की जाए तो प्लेयर टू वॉच एक प्लेयर मैंने रखा है, एक बार उस पर नज़र डालते हैं फिर आपकी राय लेते हैं। आज के प्लेयर टू वॉच है हमारे मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा। आज कैप्टनसी में भी मुझे थोड़ा वेरिएशन चाहिए, कैप्टनसी थोड़ी अलग टाइप की हो, अपनी टीम को जीत दिलाएं। वो जो मुंबई इंडियंस पुरानी वाली थी वो दिख नहीं रही है अभी फिलहाल, आप मैच जरूर जीत रहे हैं लेकिन वो पुरानी वाली मुंबई इंडियंस जिसमें जीत की भूख होती थी वो नहीं दिख रही, आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ आज ईशान किशन को ये अपने साथ ओपन कराएं और क्विंटन डिकॉक को नंबर 3 पर खिलाएं। सही बात है विशाल, देखिए मुंबई इंडियंस वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज है इस IPL की, लेकिन जो उम्मीद दर्शकों को उनसे है उसमें कहीं ना कहीं निराशा तो हुई है दर्शकों को, लेकिन इन सब के बावजूद अभी टूर्नामेंट में काफी मैचेस होने बाकी हैं और मुझे लगता है कि जरूर कमर कसेंगे, फ्रेंचाइज इतने आसानी से आगे के मैचेस नहीं जाने देंगे। और जैसा कि बैटिंग क्रम में बदलाव की बात आपने कही, जरूर बदलाव होना चाहिए, रोहित शर्मा डेफिनेटली प्लेयर टू वॉच है, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है बॉलिंग में अगर मुझसे आप पूछें तो अर्शदीप सिंह एंड राहुल चहर, ये दो ऐसे बॉलर हैं जो कि इस मैच में देखने लायक होंगे। अगर आप ऑलराउंडर में बोलें तो मुझे लगता है कि कुणाल पांड्या एज ए ऑलराउंडर इस मैच में हम लोग उनको वॉच कर सकते हैं। रोहित शर्मा KL राहुल ये दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं जो प्लेयर्स टू वॉच होने चाहिए। डेफिनेटली रोहित शर्मा तो नंबर 1 पर हैं, उनमें वो क्षमताएं उन्होंने दिखाई हैं इस बात को। और इसके अलावा अगर नए खिलाड़ी अगर दीपक हुड्डा भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी फायर कर सकते हैं, इस टूर्नामेंट में उन्होंने दिखाया है, लेकिन अभी जो बड़ी इनिंग्स हम लोग देखना चाहते हैं वैसा नहीं मिला है। तो ये सभी खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि इस मैच में देखने प्लेयर्स टू वॉच होने चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल प्लेयर टू वॉच, क्योंकि ये टीम दोनों टीमों से बड़ी बड़ी जीत की बात कही जा रही है, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है, अनिल कुंबले एक तरफ होंगे, एक तरफ जहीर खान होंगे, जैसे तमाम प्लेयर्स हैं जो आपको सपोर्ट स्टाफ में मिले हुए हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट स्टाफ है दोनों का, तो कहीं ना कहीं आपको अभी भी ये चीज़ सोच के रखनी कि आप कुछ बदलाव करें, रोटेशन पॉलिसी आप अपनी टीम में लाइए, आप टीमों को जो नए प्लेयर हैं आपके बैठे हुए हैं आप उन्हें भी मौका दें। अब मनोज भाई आ गया है समय आपके प्रेडिक्शन का, आज आप चेन्नई के विकेट पे क्या स्कोर बनता देख रहे हैं और टॉस जीतती है अगर टीम तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए चेन्नई के विकेट पे अगर आप जिस तरह की विकेट है मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी करने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि इस विकेट पर बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़े धैर्य के साथ खेलते हैं तो डेफिनेटली आप बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं इस विकेट पर। और मेरा ऐसा मानना है कि आज के मैच के और इस पूरी परिस्थिति को अगर आप ध्यान से देखें, अगर पंजाब किंग्स सही में किंग्स के तरह से अगर आज नहीं खेलेंगे तो मेरा दाव तो मुंबई इंडियंस के ऊपर है कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीतेगी। और क्या लगता है आज कितना स्कोर बनेगा चेन्नई के ग्राउंड पर? देखिए जो भी टीम टारगेट सेट करेगी उसको 200 रन का टारगेट तो सेट करना पड़ेगा, एनीथिंग बिटवीन 190 टू 200 रन, अगर आप उससे नीचे का टारगेट सेट करते हैं तो उसको डिफेंड कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, और मेरे ख्याल से 190
से 200 का टारगेट सेट होना चाहिए। बिल्कुल, आज आप मुंबई को सपोर्ट कर रहे हैं और 190 से 200 रन का टारगेट जो भी टीम बनाएगी पहली इनिंग उसको थोड़ा अपर हैंड होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई हम लोग से जुड़ने के लिए। आज चिन्नास्वामी स्टेडियम, माफ करिएगा, एम चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई बनाम पंजाब का मैच है। दोनों को एक बड़ी जीत की तलाश है, वरना दोनों को दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ बदलाव के साथ आप दोनों टीमें उतर सकती हैं, ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अपर कट में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।